कैलोरी में अधिक और थोड़े बहुत न्यूट्रिशन के साथ शराब आपके स्वास्थ्य के लिए दवा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे पूर्ण रूप से त्याग दें। इस बात को कहने का मतलब यह है कि कभी कभार पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए एक ड्रिंक से बेहतर कुछ नहीं होता। मीठे की तरह शराब का सही सेवन स्वास्थ्य डाइट प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। मजे की बात यह है, कई शोध में सामने आया है कि कम से लेकर सामान्य रूप से शराब पीना रचनात्मकता को बढ़ाने, याददाश्त को बेहतर बनाने और तनाव कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, अगर लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो शराब इसमें भी आपकी मदद कर सकती है। कितनी शराब आपके लिए काफ़ी है? शराब को लेकर जो सीमा तय की गई है वह पुरुषों के लिए दिन में दो और महिलाओं के लिए एक ड्रिंक है। इससे ज्यादा शराब का सेवन हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों, लिवर की बीमारी और पाचन संबंधी समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। अत्यधिक शराब पीने से भी अवसाद, कैंसर और मधुमेह का खतरा भी बढ़ सकता है और अंततः इसकी लत भी लग सकती है। इतना ही नहीं, शराब पीने से आप बड़ी आसानी से कैलोरी का सेवन कर लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वजन बढ़ना भी शुरू हो जाता है। एक स्मार्ट ड्रिंकर कैसे बने? दिन में कितनी शराब पीने हैं यह तय कर लें और उसके मुताबिक ही खुद को ढालें। अगर आपने दिन में दो ड्रिंक लेने का फैसला किया है तो आप केवल दो ही ड्रिंक लें। ऐसा करने से आप स्वस्थ व सेहतमंद रहेंगे। बहुत सारा पानी पीने की कोशिश करें, क्योंकि शराब को शरीर से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता पेशाब ही है, इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पीने से पहले हमेशा कुछ न कुछ खा ले, क्योंकि खाली पेट शराब पीने से आपको उल्टी और कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। शराब में बेफिजूल की चीज़ें मिलाने से बचें। लोग अक्सर एक ड्रिंक में दूसरी ड्रिंक मिलाकर पी लेते हैं, जो न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उन अंदर से भी कमजोर करती है। लो कार्ब वाली ड्रिंक का चुनाव करें, क्योंकि कार्ब को अक्सर पचाने में दिक्कत होती है, जिसके कारण आपको पेट संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक घूंट में पूरा गिलास अपने पेट में उड़ेल देते हैं, जबकि यह सही तरीका नहीं है। इसके बजाय आप धीरे धीरे शराब पीने की कोशिश करें। जो ड्रिंक आप पी रहे हैं उसके बारे में जानें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पी रहे हैं और उसमें किस चीज़ की प्रधानता है। ऐसा करने से आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि आप में शराब पीने की सही आदत भी बनी रहेगी। हैंगओवर कैसे उतारें? अगर किसी कारणवश आप अपने ड्रिंकिंग लक्ष्य से भटक गए हैं और आपने किसी दिन जरूरत से ज़्यादा शराब पी ली, तो आप पोषक तत्वों से भरे फूड और बहुत सारा पानी पिए ताकि उसका नशा थोड़ा कम हो जाए। अगर आप प्रोटीन और स्वस्थ फैट के साथ अपने ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर करना चाहते हैं तो अंडे, एवोक दो साबुत अनाज, टोस्ट और ताज़ा सलाद एक स्वस्थ संतुलित भोजन बेहद अच्छा रहेगा।